फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज अब हम आपको दिखाएंगे मलाड वेस्ट मालवनी का इलाका, जहां पे पुलिस स्टेशन के सामने कई झाड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई है। गेट नंबर 1 फायर ब्रिगेड के सामने भी कई झाड़ गिरे हैं, जिससे पूरा रोड जाम है। आने जाने के लिए एक ही रास्ता दिया गया, एक ही वे है। आने जाने में लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बीएमसी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उसे क्लियर करें, ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम हो। अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ पे एक नंबर की तरफ। वहाँ देखिए, वहाँ पे भी झाड़ टूटकर गिर चुका है। यहाँ बीएमसी कुछ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द रोड को क्लियर किया जा सके। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं मालवनी चर्च, मारवे बीच। यहाँ पे भी किस तरह से काम किया जा रहा है, बोट्स किस तरह से हैं, पुलिस किस तरह से तैनात है लोगों की सहायता के लिए, फायर ब्रिगेड कहाँ कहाँ पे गई है, बीएमसी के लोग कहाँ कहाँ पे हैं, इस तरह की पूरी जानकारी हम आपको हमारे वीडियो में दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि मालवनी के कुछ गटर्स बनाए गए हैं, लेकिन जो किसी काम के नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बनाए गए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666-47110। धन्यवाद। अब हम इस वक्त हैं मालवनी गेट नंबर 5 के पुलिस स्टेशन के पास। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कई झाड़ टूट के गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मालवनी पुलिस स्टेशन, कई झाड़ टूट के गिरे हुए हैं। यहाँ पे इल्लीगल कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये झाड़ टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, ठक्कर डेयरी के सामने। ये आप देख सकते हैं कितने झाड़ टूट चुके हैं बरसात की वजह से, का बरसात के साथ तेज हवा भी है। देख सकते हैं यहाँ पे और एक झाड़ है जो टूट चुका है। आप देख सकते हैं नारियल का झाड़ है, किस तरह से हवा चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे और एक झाड़ टूट चुका है, यहाँ टूट के गिरा हुआ है। देख सकते हैं और एक झाड़ यहाँ टूटा हुआ, एक नंबर है ये। ये पूरी तरह से जड़ से झाड़ टूट चुका हुआ है। अब यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं एक झाड़ और है जो कि टूटा हुआ है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं मारवे बीच की तरफ। अरे वाह, पास लो। यहाँ पे देख सकते हैं एमएलए के ऑफिस के पास भी कई झाड़ टूटे थे, जो के हटा दिए गए हैं यहाँ से, लेकिन हर जगह नहीं हटाए गए हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक नंबर पे यहाँ पे भी झाड़ टूट गए हैं, गिर गए हैं। बीएमसी यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर रही है झाड़ के, ताकि इसे रोड पे से हटाया जा सके। गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, बाइक है, जो पेड़ के नीचे दब चुकी है। बीएमसी के लोग यहाँ पे रोड क्लीन करने के लिए झाड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
गाड़ी इधर भी पड़ी है, देखा हमने। देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टॉप के पीछे भी दो झाड़ टूट चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कई झाड़ टूटे हैं। बीएमसी इनको टुकड़े करके रोड से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि रोड जाम ना हो। काफ़ी नुकसान हुआ है इस आंधी और तूफान के चलते हुए, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। कोविड के साथ साथ इस आंधी को भी मुंबई वासियों को आखिरकार काफ़ी नुकसान करा है इस आंधी को चलते हुए। आंधी तूफान के साथ आई है, और ये मानसून की पहली बारिश है जिसका यहाँ की जनता ने फेस करा है। और कोविड के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के खड़ी हुई है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है मुंबई वासियों को। और आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर पेड़ गिरे पड़े हैं जिसकी साफ तस्वीर इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है अलग अलग। और ये पेट्रोल पंप के सामने का एरिया है, पेट्रोल पंप के सामने आप देख सकते हैं कि कई झाड़ टूटे हुए हैं। जाता है इसको, और आप देख सकते हैं काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पेड़ों को नुकसान हुआ है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। आखिरकार बीएमसी की बोल खुल चुकी है कि वो किस तरीके से काम किया है। ये मानसून की पहली बारिश है और मानसून ने पहले ही 20 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। आखिरकार कितनी मुस्तैदी से काम किया है बीएमसी ने, इसका साफ नज़ारा हमें देखने को मिलता है। इन पेड़ों के नुकसान को किस तरीके से ये पेड़ और आंधी के साथ जिस तरीके से कड़क आंधी चली उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी बाइक गाड़ियों के पेड़ गिरे, इस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ है मुंबई वासियों को। और अब ये मालवनी चर्च हम आ चुके हैं एसीपी ऑफिस के सामने। यहाँ पे भी कई झाड़ टूट के गिर चुके हैं। बीएमसी काफ़ी मेहनत कर रही है झाड़ को रोड से हटाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बोर्ड्स गिर चुके हैं यहाँ पे। एक बात देखी गई है कि जहाँ पे बड़े अधिकारी मौजूद हैं अगर वहाँ पेड़ टूटे हैं गिरे हैं तो बीएमसी ने तुरंत उसे हटाया, लेकिन जहाँ पे बड़े अधिकारी मौजूद नहीं वहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है। आप एसीपी ऑफिस देख सकते हैं हमारे कैमरे में। यहाँ पे नगर सेविका गीता भंडारी हैं, यहाँ पे उनका ऑफिस है। हम मालवनी चर्च में मौजूद हैं। काफ़ी तेज हवा आ रही है, आप देख सकते हैं ये एक पेड़ और टूटने वाला है। देख सकते हैं ये पेड़ टूटने वाला है। काफ़ी तेज हवा चल रही है इस वक्त। भाई खाता 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 अपना नहीं है। आप देख सकते हैं मालवनी चर्च, यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये आ गए थे हम करी मरी मंदिर के पास। सोच सकते हैं आप कि क्या हाल होगा जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, उनका क्या हाल होगा। समंदर ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा, इस बरसात ने साइक्लोन ने कितना लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। बीच का एरिया देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से तूफान यहां पे आ रहा है, लहरें किस तरह से उठ रही हैं।
किस तरह से समंदर में नाव आपको दिखाई दे रही है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी थे उनके रहने के लिए बंदोबस्त किया गया था, लेकिन वो इस वक्त हवा के दबाव की वजह से टूटकर गिर चुका है। इस वक्त हम लोग एक नंबर पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने ये एक नंबर है, एक नंबर मोबाइल शॉप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे कई झाड़ हैं जो कि टूट चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है मालवनी का फायर ब्रिगेड, ये आप देख सकते हैं कि झाड़ किस तरह से टूटे हुए हैं। पूरा एक नंबर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। कई झाड़ गिर गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई नुकसान हुए हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ टूट चुकी हैं, रोड यहाँ बंद हो चुका है। अब देखते हैं एक नंबर पे बीएमसी कितने देर में आती है यहाँ पे, ताकि बस या लोगों के आने जाने की रूटीन सही हो चुके, क्योंकि एक तरफ का पूरा जो रोड है झाड़ के गिरने से पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे सामने कि एक ही रोड के पे दोनों आने जाने की गाड़ियां मौजूद आ रही जा रही हैं। ये एक तरफ का रोड है जो कि झाड़ गिरने से पूरी तरह से पैक हो चुका है, यहाँ से आना जाना नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब बस को एक ही रूट से आना जाना दोनों हो रहा है। ये देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग मौजूद हैं, ताकि लोगों को संभाला जा सके, कोई परेशानी ज़्यादातर लोगों में ना आए। ये आप देख सकते हैं कि ये झाड़ किस तरह से गिरा है। अब हम ये देखेंगे कि इस रोड को क्लीन करने के लिए बीएमसी कब तक आती है, ताकि रोड क्लियर हो सके। ये आप देख सकते हैं कि पूरा रोड बंद है, यहाँ से लोग आते हैं और किस तरह से आने के बाद लोग टर्न करते हैं। अगर अचानक से कोई आए और ये गाड़ी टर्न हो रही है यहाँ पे, अगर उसे ध्यान ना रहे तो एक दूसरे में गाड़ी टकरा सकती है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए जल्द से जल्द बीएमसी को कार्रवाई करना चाहिए, यहाँ पे अपनी टीम भेजनी चाहिए, जिससे इस रोड को क्लियर किया जा सके और लोग जो तरीका है आने जाने का टू वे का, उस तरह से आ जा सके बस और गाड़ियाँ, जिससे एक्सीडेंट ना हो। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने कि गाड़ी किस तरह से टर्न हो रही है। अगर यहाँ से सावधानी ना बरती जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की भी जान जा सकती है।